अद्भुत असाधारण कैमरे का आविष्कार किया है यारी, जिससे फोटो खींचने पर आदमी क्रिस्टल का बन जाता है यारी। अरे दिखा दिखा पड़े भैया, ऐसे कैमरे को देखने के लिए मेरी आंखें तो एक्सरे मशीन हुई जा रही है। ओ नहीं यार मेरे भाई, मेरे यार मैं तुम्हें नहीं दे सकता यार। मैंने ये कैमरा अपने इंडियन फौज के लिए बनाई है, फिर उन्हें दुश्मन पर गोली नहीं चलानी पड़ेगी यार। बस फोटो खींचते ही दुश्मन के सिपाही क्रिस्टल बनकर बिखर जाएंगे यारी। अच्छा, तो दोस्त हो के दोस्त के साथ ही होशियारी। पहले ऐसे कैमरे का नाम बताकर मुझे एक्साइटेड किया और अब मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो। मैं तो मजाक कर रहा था, रुक जाओ, मैं तुम्हें ये कैमरा चलाना बताता हूँ। अरे बड़े भैया, बटन तो इसमें एक ही है और यही बटन दबाना है। मोटू क्या किया यार, मेरे भाई मुझे क्रिस्टल का बना दिया। कसम मेरे मरीजों की, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बड़े भैया सॉरी। अरे मोटू, तुमने डॉक्टर झटका का क्या हाल कर दिया? अरे मैंने कुछ नहीं किया घसीटा राम, मैंने तो बस ये बटन दबाया। ओए मोटू, ऐसे क्यों भाग रहे हो? आंखों में पट्टी बंधी है क्या? क्या कहीं से चोरी करके आए हो? नहीं नहीं बड़े भैया नहीं, सॉरी गलती हो गई। अरे वो लोग हमारे पीछे लगे हैं। ओए किसकी इतनी हिम्मत जो बॉक्सर के पड़ोसी का पीछा करे? पापा! भूत! बचाओ! अरे बॉक्सर भैया, ये भूत नहीं है, डॉक्टर झटका और घसीटा राम है। तो फिर ये ऐसे कैसे हो गए? डॉक्टर झटका ने ये कैमरा बनाया है, मैंने सिर्फ ये बटन दबा दिया ऐसे। ओए तुमने ये क्या किया मोटू? सॉरी। मेरे भाई मेरे यार, मोटू को पकड़ो वरना ये सबको ऐसे ही बनाते रहेगा यारी, पकड़ो। किवाड़ नहीं खोलना। डॉक्टर झटका, घसीटा राम और बॉक्सर है। अरे तो ये सब ऐसे कैसे हो गए? अरे मैंने बस ये कैमरे का बटन ऐसे दबा दिया। नहीं, मेरी वजह से तुम भी ऐसे ही हो गए, मुझे माफ कर दो बदलू। तुम्हें माफ नहीं, हम सब मिलकर तुम्हें साफ कर देंगे। Come on!
अरे मुझे बेघर करने वालों, आज के बाद तुम्हारा भी कोई घर नहीं होगा। जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन। अरे पतलू, हमारा घर कहाँ गया? हमारा घर कहाँ गया? अरे कहाँ गया हमारा घर? अरे डॉगीज, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? भाग यहाँ से, ये हमारी जगह है। जल्दी बताओ कि हमारा घर कहाँ गया। ए, हम पर चोरी का इल्जाम लगाता है। चलो दोस्तों, इनकी खातिरदारी करें। अरे छोड़ दो डॉगी भैया, छोड़ दो। हमने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था। अरे इतने नाराज क्यों होते हो? प्लीज। अरे पतलू, अब क्या करें? डॉक्टर झटका के यहाँ 14-14 इंजेक्शन लगवाने चलते हैं, फिर चिंगम सर के पास चलेंगे रिपोर्ट लिखवाने। तू मेरे भाई, मेरे यार कैसे हो गया? मेरी लैब, मेरा घर सब गायब हो गया यार। मेरा घर भी ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाता है। डॉक्टर झटका, ओ मोटू मेरे यार, मेरे भाई, ये देख के बहुत अच्छा लगा कि तुम हमारे दुख में इतने दुखी हो गए हो कि रो रहे हो यार। उन बाबा, इधर तो बहुत मजा आ रहा है, लेकिन अगर क्लाउड पर रस्सी कूदा जाए तो और भी मजा आएगा। अरे पतलू, क्लाउड पर रस्सी कूदने का अलग ही मजा है, बड़ा मजा आ रहा है। ओ यार, ये अचानक क्या हो गया? ये शॉर्ट सर्किट क्यों होने लगा यार? ओ यार, ये वायर कहाँ निकल के चली गई? हाँ डॉक्टर झटका, वायर के पैर थोड़े ही है जो खुद निकल कर चली जाएगी, वो देखो सामने। ए मोटू मेरे भाई, मेरे यार, ये क्या कर रहे हो? रस्सी कूद रहा हूँ बड़े भैया, आओ तुम भी साथ में आ जाओ। वेर दो यार। मोटू मेरे भाई, मेरे यार, ये क्या हो गया? घसीटा राम क्लाउड मैन कैसे बन गया? उड़ी बाबा, बहुत शक्तिशाली फील हो रहा है, पूरा बदन में एनर्जी भरा हुआ लग रहा है। रुक जाओ सीटें, रुक जाओ। चिंगम सर, अरे बचाओ। अरे क्या घसीटा राम, तुम बेचारे उस चाय वाले को क्यों करंट के झटके दे रहे हो? चलो हमारे साथ डॉक्टर झटका के पास चलो। हम नहीं जाएगा। अरे अभी हम बहुत शक्तिशाली हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। अरे तुम कैसे दोस्त हो, तुम इतने मतलबी कैसे हो गए घसीटे? आ ज
है मेरे दोस्त। आज मेरे पास पावर है और मैं अपने पावर को एंजॉय करूंगा। अरे फुरफुरी नगर को कितना बड़ा फायदा होगा ये लोग तो कुछ सोच ही नहीं रहे। डॉक्टर झटका को तो बस अपने रिसर्च की पड़ी है। अरे भाया इतनी सुबह सुबह कहाँ गए थे मोटू? अरे मॉर्निंग वॉक पे गया था, सोचा देख लूं कि कहीं पेड़ चमक तो नहीं रहा, लेकिन पेड़ में कोई भी रोशनी थी ही नहीं। मेरे भाई मेरे यार यही तो रहस्य है, वो पेड़ सिर्फ रात में ही चमकता है। यार भागो, यहाँ पर तो एक और रहस्य है यार, भागो। पुरी बाबा, ये कार को हवा में उड़ा दो, नहीं तो इससे बच नहीं पाएंगे। जंगल तो बड़ा रहस्यमय है, कैसे भी करके मुझे उस पर रिसर्च करना है। दोस्तों हम लोग एक बार और जाएंगे, पर छुप कर जाएंगे यारो, हम लोग उस रॉक मैन के टारगेट में जो आ गए हैं। हाँ। घर जाके वापस जंगल में जाने का प्लान बनाएंगे और देखेंगे कि इस जंगल में और क्या क्या रहस्य है यारो। हाँ। मोटू पतलो, तो तुम सब लोगों का पिकनिक कैसा रहा? अरे बहुत अच्छा रहा चिंगम सर, ये क्या बोला है? अरे ये डॉगी का शेप लेकर रॉक्स तो फिर से आ गए। आइडिया, हेलो डॉगी, थैंक यू, अपना ख्याल रखना, अभी मैं जल्दी में हूँ। मोटू जॉन, मोटू और तेज, और तेज। अरे पतलू उल्टा भागो, ट्रेन को भी अभी आना था।
ऐसे तो हम अगले जन्म तक जॉन को नहीं पकड़ पाएंगे। पतलू कुछ सोचो। आइडिया, मारो इंजन को ईंधन पानी मिलता जाएगा तो वो खूब तेजी से चलता रहेगा। धक्का देते रहो और समोसे खाते रहो। कभी हार नहीं मानती। वो देखो दोनों हीरो सामने खड़े हैं। शायद उनको हीरो कह रहे हो। अरे तुम उनकी तरफ हो या फिर मेरी तरफ? बगैर हम यहाँ से नहीं जाएंगे, चाहे जो हो जाए। आगे रेत बहुत ज्यादा है, जल्दी भागते हुए चलते हैं। On your mark, get set, go! तुम हिलना मत, जितना हिलोगे उतना ही नीचे जाओगे। हम अभी रस्सी फेंकते हैं। रस्सी जीप में है, मैं अभी लाया। वो लोग मेरी जीप लेकर भाग गए। चिंगम सर, ये उनकी चाल थी हमें यहाँ फंसाने की। मिल गई है, बहुत लंबी है, लंबी 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 लंबी। चिंगम सर, सा 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 रहे हो, इधर आ। ये अच्छे इंसान है, इनको बचाना है। आई एम हा
ये कैसा चमत्कार है, मैं अब भी आया। मोटू पतलू कितने अच्छे इंसान है, उनके साथ बंदर तक डूबने को तैयार है, मैं भी डूबने के लिए आ रहा हूँ। चिंगम सर, ये लोग हमें बचा रहे हैं, डूब नहीं रहे हैं, आप सांप की पूंछ पकड़ के हमें खींच लो। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मोटू पतलू को नहीं बचा सकते। भाग जाओ। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। यार तो पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है मोटू पतलू। हमारी डायरी में नामुमकिन शब्द है ही नहीं। ठीक है, तो पहले पकड़ के दिखाओ। कितनी अच्छी साइकिल है, कितनी सुंदर है, कितनी कीमती है। बाबा क्या अच्छी साइकिल है। अरे तुम्हारे पैरों तले की जमीन खिसक गई। मेरा मतलब है साइकिल, जरा नीचे तो देखो। चिंगम सर, जॉन ज्वेलरी शॉप लूट के जा रहा है। Why fear? When Chingam is here, don't worry, मैं उसको पकड़ लूंगा, कानून की कसम। आई, चलो। Stop, stop in the name of law, तुम्हें कानून की कसम, भारत माता की कसम, रुक जाओ। चिंगम सर, आपकी गन बहुत अच्छी है, कानून की कसम। अरे और ये जीप भी बहुत अच्छी है चिंगम सर। सर सब कुछ गायब हो गया, ये का घुमा रहे हो? सर मर्द को दर्द नहीं होता, मैं सोच रहा हूँ कि जीप कहाँ गई, कैसे गई, इसका राज क्या है, मैं सॉल्व करके ही रहूंगा। मोटू पतलू मेरे ऊपर वैसे ही मुसीबत कम है जो तुम मेरे ऊपर गिर रहे हो। अरे मेरी रिवॉल्वर मिट्टी हो गई, मेरे नारियल मिट्टी हो गए, ये जॉन पता नहीं क्या जादू कर रहा है। मार मार के भरता बनाने आए हैं। बोलो कौन सा भरता बनाए, आलू का या बैगन का? अरे भरता बाद में बनाना, पहले तुम्हारे कपड़ों की तारीफ तो कर दो। वाह वाह, आप लोग कितने सुंदर कपड़े पहन के आए हो, कपड़ों का रंग तो देखो कितना अच्छा है, आप सबके कपड़े कितने अच्छे लग रहे हैं। कपड़े कहा है। अब जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन। तुमने हमें जंगल मैन बना दिया, मैं तुम्हारा चश्मा तोड़ दूंगा, नहीं छोड़ूंगा। चिंगम सर मेरे ख्याल से भागने में ही भलाई है। अब तो इन पत्तों की तारीफ करने का मन कर रहा है मेरा, करूँ क्या? नहीं नहीं, पत्तों की तारीफ मत करना प्लीज, पतलू भागो। Thank you.
ये तुम्हारे समोसे इसी साल में खाने को मिल जाएंगे या अगले साल तक इंतजार करना होगा? अरे दे रहा हूँ मोटू, दे रहा हूँ, थोड़ा इंतजार करो भाया, इंतजार का फल मीठा होता है। फल तो मीठा होता है पर इंतजार के समोसे नमकीन ही देना। अरे ये कागज में लपेट के पत्थर किसने मारा? अरे मोटू, कागज में लपेट के पत्थर नहीं, पत्थर में लपेट कर कागज मारा है। देखो इसमें कुछ लिखा है। हाँ, फुरफुरी नगर वालों, अपना सारा रुपया पैसा सोना चांदी हीरे मोती सब फुरफुरी नगर के बाहर जो काली गुफा है उसमें जाकर रख दो, वरना मैं पूरे फुरफुरी नगर में हर जगह खतरनाक बहुरूपीय पटाखे लगा रखे हैं जो सिर्फ छूने से ही फट जाएंगे और तुम लोगों को बर्बाद कर देंगे। अरे ये अच्छा मजाक है। अरे ये मजाक नहीं, धमकी है मोटू, धमकी जो सच भी साबित हो सकती है। अरे कैसे सच साबित हो सकती है? मैं कोई चीज को छूंगा और वो चीज क्रैकर बन जाएगी। इम्पॉसिबल, ये कभी हो ही नहीं सकता। हाँ? मोटू नथिंग इज इम्पॉसिबल, इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है मोटू, कुछ भी। अच्छा तो ये लो, मैंने इस तंदूर को छू लिया, देखता हूँ कि कैसे इसमें से फायर क्रैकर निकलता है। गदिला, गदिला, गदिला। अरे ये क्या मुसीबत है, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया। पर भैया मैं तुम्हें कैसे गोदी ले सकता हूँ? दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, मेरे पीछे मत आओ, तुम्हारी मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, दूर दूर। अरे पतलू बचाओ। अरे भाया, अरे ये कैसे जानवर है? अरे भागो! चाय वाले भैया घबराओ मत, मैं अभी इनको पकड़ता हूँ। ये पंपड़ी वाली टू पूरी बाबा, चाट का जल्दी से कुछ करो। मेरी गाड़ी। बॉक्सर भैया, गलती हमारी नहीं, उस हाथी ने हमें उठा के फेंक दिया। लेकिन हाथी सिर्फ तुमको ही क्यों फेंक रहा है? क्योंकि हमारी किस्मत ही खराब है, अब ना तो तुम रहोगे और ना तुम्हारी किस्मत। अरे अरे बचाओ, अरे भैया बचाओ। अरे पता नहीं कहां से ये जानवर आ गए, हमारा सारा पानी पी लिया और हर जगह तोड़ फोड़ कर रहे हैं। अरे भैया बचा लो। अरे वो हाथी और गेंडे ने तो हर जगह तोड़ फोड़ मचा रखी है। मोटू पत्तू, अरे कुछ करो, शहर में एक बूंद पानी भी नहीं छोड़ा है इन्होंने, हर जगह का पानी पी लिया है, हर जगह का। मैं लैब में जाके एनिमल फ्रीजिंग गन को ठीक करके लाता हूँ जिससे इन्हें वापस पहले जैसा फ्रीज कर सकते हैं। तब तक तुम लोग इन्हें पानी पीने से रोको, ये जानवर पानी पी के और ताकतवर हो जाते हैं क्योंकि ये पेड़ पौधे है। ये जानवर है सूंघ के पानी की तरफ जाते हैं, ये सब फुरफुरी नगर की झील की तरफ जाएंगे, हम उन्हें वहाँ पानी पीने से कैसे रोक सकते हैं? ओए मोटू पतलू, ये लो फ्लाइंग सॉसर, इस पे खड़े होके उड़ जाओ और जानवरों के झील पहुँचने से पहले वहाँ का पानी फ्रीज कर दो। हाँ। लेकिन फ्रीज करें कैसे? ये लो वाटर फ्रीजिंग गन, इसे पानी के ऊपर चला दोगे तो पानी फ्रीज हो जाएगा। अब जल्दी जाओ, अगर झील का पानी वो पीने लगे तो बहुत ताकतवर हो जाएंगे। हाँ।
क्यों लग रहा है? क्योंकि तुम उल्टा उड़ रहे हो, चलो सीधा हो। पतलू क्या कर रहे हो? सीधा उड़ने की कोशिश करो। अब देखते हैं जानवर पानी कैसे पीते हैं। पतलू ये डांस क्यों कर रहे हैं? हमें खाने की खुशी में। पतलू खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तुम कुछ सोचो। आइडिया, फ्लाइंग सॉसर को यहीं छोड़ो और पैर निकाल के भाग लो। का निशाना तो खराब था, हम बच गए, लेकिन इसका निशाना सही लग रहा है। मैं बर्बाद हो गया, वो आंधी की तरह आया और तूफान की तरह बैंक खाली कर गया। सर ये कौन आंधी की तरह आया और कौन तूफान की तरह बैंक को लूट गया? अरे वो जॉन, और कौन, वो मेरा बैंड लेकर सबकी बैंड बजा रहा है। जॉन को पकड़ सके ये किसी में दम नहीं। मैं आंधी हूँ, तूफान हूँ, किसी बिजली से कम नहीं। पर सर, जॉन का तो डायलॉग ये था, जॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसीलिए नहीं बोला चंपो कि तू डायलॉग बोले और मैं तुझे छापड़ लगाऊं। सर अब इस तरह कब तक मार खाते रहेंगे? उसने कानून पे हाथ उठाया है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। चिंगम के जंगल से बचना ये इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल। जॉन, चिंगम के जंगल से बचना ये इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल। तुम्हारे खेल खत्म, हैंड्स अप करो, हैंड्स अप। चिंगम सर, आप जब तक फायर नहीं करोगे ये जॉन हैंड्स अप नहीं करेगा। फायर की आवाज पे मेरा हाथ उठ जाता है। ओके, तो ये लो। ये नारियल मेरे सिर पे ही क्यों गिरते हैं? तो कुछ करो, ये जॉन तो सारा माल समेट के निकल जाएगा। अरे पतलो तुम्हें कुछ करो, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं चलती। आइडिया, देखो जब वो आता है तो धूल उड़ती है, उस धूल को पकड़ लो। ओके, अब मैं देखता हूँ जॉन को। चिंगम सर, मैंने
जॉन को पकड़ लिया, जल्दी इसे हथकड़ी डाल दो। जॉन, तुम बहुत बुरे, लेकिन इधर चूहे की तरह पकड़े गए। चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल। स्टॉप इन द नेम ऑफ लॉ, तुम्हें कानून की कसम, रुक जाओ। कानून इतना तेज नहीं भाग सकता। अरे बड़े भैया, शाम के कॉन्फ्रेंस की तैयारी कैसी चल रही है? पूरे फुरफुरी नगर में आपने कॉन्फ्रेंस और आपका नया इन्वेंटेड कैमरे की ही बात चल रही है। सुना है कैमरा देखने के लिए दुनिया भर से बड़े बड़े साइंटिस्ट आ रहे हैं। वैसे बड़े भैया, जरा हमें भी तो दिखाओ इस कैमरे में ऐसी कौन सी खास बात है। नहीं नहीं डॉक्टर झटका, बिल्कुल मत बताना, नहीं तो कैमरा लेकर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देगा ये। अरे बाबा मोटू, इस कैमरे में कुछ भी खासियत नहीं है। अरे बड़े भैया, दिखा तो दो कि क्या खासियत है, दिखा दो ना प्लीज। नहीं नहीं यार, शाम को सबके साथ कॉन्फ्रेंस में देख लेना, यही तो सस्पेंस है कि कैमरे में क्या खास है। बड़े भैया, आप हमसे छुपा रहे हो। अरे अब हमको भी नहीं बता सकते तो ऐसी दोस्ती का क्या फायदा, बदलो चलो यहाँ से। बड़े भैया, वर्ल्ड म्यूजियम भी बड़ा ड्रैगन है ना, और कितना खतरनाक भी है। हम लकी है ये जिंदा नहीं है, वरना पूरा फुरफुरी नगर बर्बाद कर देता। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये मुंह से आग ही नहीं निकालता है बल्कि उड़ता भी है। अरे अरे, ये ड्रैगन तो जिंदा है। डॉक्टर झटका के कैमरे का कमाल तो नहीं? लेकिन फोटो क्लिक करने से कोई कैसे जिंदा हो सकता है? पहले भागो फिर सोचेंगे ये कैसे हो गया। शायद डॉक्टर झटका के कैमरे का यही राज हो जो वो हमसे नहीं बता रहे थे। कैसे मेरे कैमरे से स्टैचू में जान आ जाएगी, कैमरा क्लिक करते ही कैसे नॉन लिविंग थिंग लिविंग थिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रेडी हो जाए मेरे इन्वेंशन को देखने के लिए। हाँ यारो, अब ये सिद्ध हो जाएगा।
कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन क्यों? रही होगी तो तुम उसे पकड़ लेना, वो इस मैग्नेट से बच नहीं पाएगी यार। ओके गो, ऑल द बेस्ट। हे ऊपर वाले, मेरी मदद करना। हाय, आ जाओ, देखे अब कैसे काटती हो मेरे बाल। आ जाओ, तुम वो ही समोसे वाले हो ना, वो हेयर कट पसंद नहीं आया क्या? अरे हिम्मत है तो सामने आओ, घबरा के पीछे पीछे क्यों छुपी हो? मजा चखाता हूँ। धोखा दिया, धोखा। कोई बात नहीं, अब तुम मेरे साथ ही ट्रैवल करो। रुक जाओ, अरे कहाँ ले जा रही हो मुझे? कोई रोको इसे। क्या कर रहे हो? अब मुझे बाल नहीं कटवाने। सॉरी सॉरी भैया, कटवाने तो पड़ेंगे ही, भले ही पैसे मत दो। डॉक्टर झटका, ये चोटी वाला आइडिया काम तो करेगा ना? ओए तुम चिंता मत करो यार, ये चोटी स्टील की बनी है, कैंची इसे काटने जाएगी तो खुद ही टूट जाएगी यार। ओके पतलू, ऑल द बेस्ट। सॉरी, मेरी कैंची की वजह से आप लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है। अरे कोई मुझे इस कैंची से बचाओ। अरे एक तो वैसे ही मेरे सर पे बाल कम है, जो है वो भी ये काटे जा रही है। हे कैंची, हिम्मत है तो मेरे बाल काटो। लंबी चोटी, वाओ। आउच, धोखा, मेरे साथ धोखा। ये बाल नहीं लोहा है। अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ। अरे पतलू देखो, जमीन से क्या निकला है, देखो। समोसे भी तो मुझे समोसे चाहिए। तो
समोसे का पासवर्ड है समोसे दो 1 2 3। समोसे दो 1 2 3। अरे अरे मेरे समोसे, अरे रुक जाओ मेरे समोसे, रुक जाओ। जय हो। देखा मेरा कमाल? अरे वाह भैया, मुझे तो एक जीप चाहिए। बस जीप का पासवर्ड है जीप दो 1 1 2 2। बोलो जीप दो 1 1 2 2। अरे साहेब, साहेब वो आपकी गाड़ी जा रही है। मेरी जीप कहाँ जा रही है? मेरी जीप! अरे कोई तो रोको, अरे कोई तो ब्रेक मारो। जय हो। अगर ये घड़ी मुझे मिल जाए तो मजा आ जाए। अरे पतलू, घर का कुछ और भी सामान चाहिए तो जोकर भैया से मांग लेते हैं। चलो, मुझे नया फ्रिज चाहिए, एक माइक्रोवेव ओवन, वाटर प्यूरिफायर, एसी, नया टीवी। फिलहाल तो इतना ही दे दो जोकर भैया, प्लीज। ओके, वैसे बहुत सामान मांग लिया लेकिन कोई बात नहीं, सबका एक कंबाइंड पासवर्ड देता हूँ। जो चाहिए वो सब बोल के आगे बोलो 4 2 0। नया फ्रिज, एक माइक्रोवेव ओवन, वाटर प्यूरिफायर, एसी, नया टीवी, 4 2 0। अरे मेरा टीवी, मेरा माइक्रोवेव। जय हो जोकर भैया की जय हो। अरे घर का सारा सामान मिल गया। मेरा एसी। ये लोग इतने गुस्से में हमारे पीछे क्यों आ रहे हैं? अरे मेरी टीवी। जोकर भैया, अरे हमें कहाँ फंसा दिया, दूसरों का सामान हमें टिका दिया। पतलू स्पीड बढ़ाओ वरना बहुत मार पड़ेगी। ए, हमारा सामान वापस करो। ओ, हमारा सामान वापस करो, हमारा सामान वापस करो। अरे पतलू, ये सारे लोग हमारे पीछे पड़े हैं। चोर नहीं थे, मारो मारो मारो। बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लेता हूँ। मारो मारो। चोर नहीं थे, मारो 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 और मारो। Yeah.